बुलंदशहर में पहासू ब्लॉक क्षेत्र के गांव सोही में राशन वितरण करते समय ग्राम प्रधान ने राशन डीलर पति पर जानलेवा हमला किया। राशन डीलर के सिर में गंभीर चोट आई है। ग्राम प्रधान ने दबंगई दिखाते हुए राशन डीलर का सिर फोड़ दिया है। राशन डीलर द्वारा थाना पहासू पुलिस में की गई शिकायत, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। राशन डीलर ने ग्राम प्रधान पर दबंगई का लगाया आरोप। ग्राम प्रधान ने राशन वितरण करने वाली मशीन को तोड़ा। तहसीलदार और सप्लाई इंस्पेक्टर से की शिकायत। तहसीलदार ने जांच कर कार्यवाही का दिया आश्वासन। उधर इस मामले पर कार्यवाही न होने पर राशन विक्रेता कल्याण समिति उत्तर प्रदेश के शिकारपुर तहसील सचिव सुमित त्यागी ने कहा कि इस मामले में 24 घंटे में कार्यवाही नहीं हुई तो राशन वितरण बंद कर आंदोलन किया जाएगा। मेरा नाम सुमित त्यागी है। त्यागी जी, आप लोग ये राशन डीलर हैं वहाँ के सोही के, उनके साथ आए, इनके साथ कोई घटना हुई है, क्या मामला है पूरा? ये ग्राम प्रधान ने आके इनके साथ में जो है वितरण के समय मारपीट करी है, और जो इनकी घरवाली हैं ये मैं राशन डीलर हैं, ये उस समय पर वितरण कर रही थी, और ये इनके पति हैं, ये भी बैठे हुए थे। ग्राम प्रधान 5-7 आदमियों को लेके आते हैं और इनके साथ मारपीट करते हैं। क्या अभी तक कोई इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई है? FIR कर दी गई है, लेकिन पुलिस पूर्ण तरीका से कार्रवाई नहीं कर रही है, और यदि कार्रवाई नहीं हो पाती है तो हम जो है आंदोलन करेंगे और अपना वितरण से जो है वितरण को स्थगित करेंगे। तो अभी नहीं करेंगे। अभी आप लोग यहाँ तहसील में आए हैं, किसी अधिकारी से मिले हैं इस प्रकरण को लेकर? हाँ, हम तहसीलदार साहब से मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है, हमें कहा है कि हम आपकी जो है पूर्ण तरीका से इसमें मदद करेंगे। जितपाल सिंह नाम है, मैं गांव सोई का रहने वाला हूँ, गांव सोई ब्लॉक जी। क्या घटना हुई? 30 तारीख से मैंने वितरण शुरू किया, मशीन में सर्वर की प्रॉब्लम थी, सर्वर की वजह से वितरण नहीं हो पा रहा था और पूरे उत्तर प्रदेश में दिक्कत थी, और 1 तारीख को मशीन पूरे उत्तर प्रदेश में बंद भी रही। उस दिन भी प्रधान जी ने जोर दिया कि मशीन चलाई जाए, और दूसरे दिन 2 तारीख में जब वितरण हुआ कुछ ही कार्ड चढ़ पाए। फिर 3 तारीख में जब वितरण में कर रहा था तो प्रधान जी आए कुछ लोगों के साथ और बोले कि मशीन नहीं चल रही है तो बिना मशीन के वितरण किया जाए। क्या वारदात हुई है फिर? हाँ, तो उसके बाद जब मैंने बोला कि मशीन के बिना वितरण नहीं होगा, तो वहाँ प्रधान जी के जो साथ आए लोग उनको उकसाया और उसने मेरे पीछे से सर पर वार किया, लोहे की राड वगैरह, और मैं बेहोशी की हालत में गिर गया। और मैंने FIR भी कराई है डॉक्टर करा के, लेकिन उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये राशन डीलर आपकी पत्नी है? हाँ। क्या घटना हुई थी आपके इनके पति के साथ? रात मार रही थी और कहा था जी आ गए थे, कोई बीच में आकर डंडा मार दिया। तो पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है अभी तक? कुछ नहीं कर रही है। आप लोग यहाँ शिकारपुर तहसील में आए, एडीएम साहब से मिलने आए हैं, तो अभी मिले या नहीं मिले? तहसीलदार साहब को अभी तहरीर दी है इसी विषय में, दी है। क्या आश्वासन मिला तहसीलदार साहब? बोला है कि कार्रवाई होगी, उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा और मशीन की भी भरपाई की जाएगी, तो उस मशीन को भी तोड़ा है उन लोगों ने। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।